अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदाए फीहा بعدد ما احاط به علمك وما احصاه كتابك لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف। करबला हमारा ईमान, करबला हमारी शान, करबला हमारी बका, करबला हमारी आमाजगा, करबला हमारा मरकज, करबला आलम का मरकज, अहले खिरद का मरकज, करबला मौला। करबलाए मौला में मौजूद हैं, आप सब के लिए दुआगो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको जल्द करबलाए मौला आकर मौला की बारगाह में हुस्न मवद्दत को पेश करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज एतवार का दिन है, एतवार का दिन अमीर मुमकिनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम मौलाए कुल की मेहमान नवाजी में रहे और 17 जमादी सानी 1445 हिजरी कमरी और 31 दिसंबर 2023 ईसवी साल का आखिरी दिन और आखिरी घड़ियां ईसवी एतबार से गुजर रही हैं और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1370 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। यकीनन नेमतें अल्लाह तबारक व ताला सुबह के वक्त तकसीम करता है और मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन में जिस तरीके से मिला कि सुबह की नमाज के बाद खुदावंद मुताल तुलू आफ्ताब तक अपनी नेमात वाफिरा को तकसीम करता है और सवाल करता है कोई मुझसे सवाल करे कि मैं उसे अता फरमाऊं। तो आज के दिन में हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम की नेमत अता हुई, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं मनकबत खां जनाब महमूद अली साहब भिट शाह सिंध पाकिस्तान से। आइए अजीज से फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली मदद। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आप सब ठीक हैं इंशाल्लाह? करम अल्हम्दुलिल्लाह, मौला आपको सलामत रखें। करबला मौला में मौजूद हैं, यकीनन ये एक बहुत बड़ा शरफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़र्रा नवाजी है कि वह हमें अपनी बारगाह में जगह अता फरमाते हैं। कितना अर्सा हुआ मौला का जिक्र करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही शौक है और बचपन से ही करते आ रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। किसको देखकर ये शौक पैदा हुआ? हमारे मीर भाई, मीर काज़मी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और सब भाई भी इसी अहले बैत के ज़िक्र में है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी आपके भाई भी मौला? बी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? बिलाल। बिलाल वो भी जिक्र करते हैं माशाल्लाह। और ये जिक्र करते हैं तो सीखा किससे जिक्र करना? घर में सब पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह और बाहर भी जाते थे तो हमारे मीर भाई ये भी साथ होते तो इनको देख देख के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। ज़्यादा फैज़ किससे हासिल किया सीखने में? ज़्यादा मेरे मीर हसन मीर साहब। अच्छा। मीर हसन को मैं बहुत सुनता हूँ माशाल्लाह। अच्छा मुलाकात भी हुई? हाँ भिटशा में आए थे अपना मीर हसन साहब। ठीक है सुभान अल्लाह। मौला का जिक्र क्यों करते हो? अहले बैत ये मौला हुसैन का करम है, मौला ने इसी राह पे चलने की तौफीक दिए। तो जब तक जान में सांस है अल्हम्दुलिल्लाह यही जिक्र अहले बैत करते आएंगे। इलाही इलाही मौला तौफीक दें। और करबला में मौजूद हैं इस वक्त, तवसुल की घड़ियां हैं इस वक्त। अगर मैं कहूँ कि आपको इस जिक्र में किसके लिए दुआ ज़्यादा करना चाहेंगे? दुआ सब बोलते हैं दुआ के लिए, तो यानी आपको कोई ख़ास हस्ती बुज़ुर्गों में से, अजीज़ों में से, वालिदैन में से, भाइयों बहनों में से? वालिद साहब हैं, मौलाओं ने सेहत दें तंदुरुस्ती दें इंशाल्लाह। क्या समझते हैं किसकी दुआ है आपको कि आप मौला का जिक्र करने लगे हैं? अम्मी की दुआ है। अच्छा माशाल्लाह। मौला सलामत रखें आपकी वालदा साहिबा को।
करबलाए मौला में मौजूद हैं। तवसुल की घड़ियाँ यकीनन तवसुल करने के लिए ही अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया और हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से ही मुतवसिल होते हैं। करम है इनका। मौला की बारगाह में कौन से कलाम से तवसुल करेंगे? मौला अब्बास का कलाम है, اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفا جس کا پڑھے کلمہ سبحان اللہ اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی علم جس کا رہے اونچا اسے عباس کہتے ہیں علم جس کا رہے اونچا اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم مولا عباس علمدار علیہ السلام کا توسل ہمارے لیے بہت بڑا توسل ہے جہاں کہیں بھی ہوں جس جگہ پر بھی ہوں مولا عباس علمدار علیہ السلام کا علم دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے اور ایمان اور مومنیت کی پہچان ہمارے ہاں شمار کیا جاتا ہے جس گھر پہ علم لگا ہے یقیناً وہ مولا کا چاہنے والا ہے اور وہ دشمن اہل بیت نہیں ہے یہ ہمارے ہاں علامت ہوا کرتی ہے اور شرف والا گھر ہوتا ہے جس گھر پہ مولا کا علم لگا ہوا واہ سبحان اللہ بہت پیارا توسل اپنے حساب سے قدیم ہونے کے اعتبار سے یہ کلام ہر ہمیشہ تازہ ہے بالکل اور کیونکہ دل کی آواز جو ہوتی ہے ہمیشہ تازہ رہا کرتی ہے مولا کا ذکر ہے ہمیشہ تازہ رہے گا کربلا میں آ کر جانے کو تو دل کرتا ہی نہیں ہے نہیں کرتا ہے بالکل یہاں پہ آ کے انسان کا دل کھو جاتا ہے جی اور انسان چاہتا ہے کہ دل یہیں پہ رہ جائے یہیں پہ رہ جائے یہاں پہ آ کے کربلا میں آپ نے مولا کی بارگاہ کے اندر احساسات تو بیان سے باہر ہیں نہیں کہے جا کہ کہہ سکتا انسان کی کیا کیفیت تھی وہ چاہت جو بچپن سے ماں باپ نے سکھائی اور فطرت میں ماں باپ کی حلال غذا و طہارت کی وجہ سے ہمارے اندر آئی اس کا بیان تو ناممکن ہے کہ انسان کہے کہ مجھے کیسا محسوس ہوا کربلا میں آ کے اب جانے کے دن قریب آتے جاتے ہیں انسان کی ایک اور کیفیت ہوتی جاتی ہے بالکل یہاں پہ آپ نے آ کے دعائیں بھی مانگی اور مولا سے دل بھی لگایا بے شک زیادہ وقت
जब आपने ज़ियारत में गुजारा, जी बिल्कुल, किस रोज़े पे ज़्यादा बैठना? मौला अब्बास के रोज़े पे। मौला अब्बास अलैहि सलाम के रोज़े। मौला अब्बास के रोज़े। मौला अब्बास अलैहि सलाम के रोज़े पर, यानी जाते तो दोनों दरियात पे ही थे, लेकिन शुरू में पहले मौला अब्बास आते हैं। मौला अब्बास अलैहि सलाम की बारगाह में ज़्यादा बैठे, और मौला इमाम हुसैन अलैहि सलाम की, ज़ाहिर बात है दर पे कबूल हो गए तो घर में पहुँच जाएंगे, वो बाब है मौला इमाम हुसैन अलैहि सलाम के। आपके घर पर भी आलम लगा हुआ है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। भिटशाह के अंदर कितनी इमाम बारगाहें हैं? भिटशाह में साई 25 के करीब हैं। सब में मुहर्रम होता है? बिल्कुल बिल्कुल, सब में बड़ा मुहर्रम होता है। यानी भिटशाह सारा ही मोमिनों का इलाका है? पूरा मरकज़ है, हाला टंडो आदम जो भी है ना इलाके के भिटशाह में आते हैं, वो मरकज़ है। माशाल्लाह, जी जी, सुभान अल्लाह। तो भिटशाह का मज़ार आपके बिल्कुल नज़दीक है? गाँव में कितना दूर है आपसे? थोड़ा सा ही दूर है, हरम भी दूरी होगा। तारीख भी आपके जहन में है भिटशाह की, कोई तारीख वगैरह? नहीं, तारीख जहन में नहीं अभी। अच्छा, कोई बात नहीं। भिटशाह एक बहुत बड़े बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह, तवसुल के लिए तमाम मोमिनीन सिंध में रहने वाले हों या कहीं के भी रहने वाले हों, शहबाज़ कलंदर और भिटशाह एक ऐसी ज़ात हैं जो, या फिर कराची में चले जाएं तो अब्दुल्ला शाह गाजी, ये सिंध की पहचान शुमार होती हैं, सही, कि इनकी वजह से हैं। बहरहाल करबलाए मौला में आकर नेक लोगों का जिक्र कर रहे हैं, इससे हमें ये भी दर्स मिलता है कि हम भी नेकियां करें, नेक होंगे तो मौला की बारगाह में भी हमारा कोई उनके मकाम के आगे हमारे मकाम की क्या औकात है। बहरहाल ये होगा कि कम अज़ कम हम थोड़ा बहुत मौला के चाहने वालों में शुमार हो जाएंगे। ये होता है। पढ़ते हैं आप? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मेरा अभी इंटर क्लियर हुआ है, अभी यूनिवर्सिटी में, अभी जाके इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी मौला तौफीक देंगे और कामयाबी अता फरमाएं आपको, और हमेशा आते रहें और बार बार आते रहें। आप कौन सा कलाम मौला की बारगाह में हदिया करने लगे हैं? मीर हसन मीर साहब का है, जिसने एक बार तुझे दिल से पुकारा। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, इनायत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजह। जिसने एक बार तुम्हें दिल से पुकारा, वाह 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 वाह, उस पे मुश्किल नहीं आती है दोबारा वाह वाह। जिसने एक बार तुम्हें दिल से वाह 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 पुकारा बस, वाह वाह, जो मंगा सकती है एक लम्हे मैं जन्नत से लिबा, वाह 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 वाह, हाथ से उसने सिया कुर्ता वाह वाह तुम्हारा वाह 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 वाह, जिसने एक बार तुम्हें दिल से वाह पुकारा सिर्फ हसनैन नहीं बागे फिदत के वारिस, उसमें हक रखा है जहरा ने तुम्हारा बस, जिसने एक बार तुम्हें दिल से पुकारा बस, वाह वाह वाह, उस पे मुश्किल नहीं आती है दोबारा बस, वाह वाह वाह, जिसने एक बार तुम्हें दिल से वाह वाह वाह
पुकारा वाह जो मंगा सकती है एक लम्हे मैं जन्नत से लिबास हाथ से उसने सिया कुर्ता तुम्हारा बास जिसने एक बार तुम्हें दिल से पुकारा बस सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलि मोहम्मद मुअज्जिल फरजहुम। माशाल्लाह मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का नाम ही हमारे लिए शिफा है और उनकी तवसल और उनकी बरकत से हम सांस लेते हैं, क्योंकि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्यारे भाई करबला के सिपा सालार और हर बेकस और बे आसरा के लिए मौला का नाम एक आसरा है। आलम पे बांध दिया, शिफा के ऊपर यकीन कर लिया। ये मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बुजुर्गवारी है कि वो हमारी मुश्किलात हल फरमा देते हैं। करबलाई मौला में आप मौजूद हैं इस वक्त और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के रोज़े सामने हैं आपके, तवसल की घड़ियाँ हैं, तो चाहूँगा आपकी कौन सा कलाम तवसल के तौर पर पेश करेंगे। नोहा है मीर हसन मीर साहब का। माशाल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। आले इमरान कहाँ अल्लाह अल्लाह और जिंदान कहाँ ले बहन के मैं सदा देती रही तू नाया गाजी हमको पानी ना मिले हाय हाय तेरी खुशबू तो रहे हाय हाय तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी साझ दे हाय हाय ये मगर हो न सका हाय हाय तेरे बाजू हैं जुदा हाय हाय मुझ पे है तशना लबी हाय हाय तू नाया गाजी अल्लाह जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी कितनी बेबस थी बहन ए शहनशाह है वफा अरे नाम ले ले कि तेरा जब ये जालिम ने कहा नाज था जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे और मैं रोती रही तू ना आया गाजी जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी क्या कहूँ शेर मेरे बेरदा हम को लिए ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए खलकते कूफ़क भी खलकते शाम कभी बरहा हम पे
हसी तू नाया गाजी जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी कैद खाने में कजा सब जब सकीना को मिली अरे देख कुर्ते का कफन बची दफनाई गई उस घड़ी नाम तेरा सूरते ना दे अली बस में दोहराती रही तू ना आया गाजी जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी तू ना आया गाजी اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عداءهم اجمعين توسل اہل بیت علیہ السلام کا کبھی کبھار ہم واسطہ دے کر کرتے ہیں کبھی ہم نوحہ پڑھ کے کبھی منقبت پڑھ کے اور کبھی مجلس سن کے کبھی مجلس کا اہتمام کر کے کبھی معجزہ مان لیتے ہیں کہ ہم معجزہ سنیں گے کبھی ہم نظر مان لیتے ہیں کہ ہم لنگر تقسیم کریں گے مولا کے نام پہ نظر تقسیم کریں گے کبھی زیارت کی منت مان لیتے ہیں کبھی کسی کی غریب کی مدد کرنے کی منت مان لیتے ہیں بھٹ شاہ کا ایک کلچر ہے جی جی وہاں پہ لوگوں کی کوئی منت مراد پوری ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں وہاں پہ اپنا سہن بنے ہوئے لنگر نیاز بھی ہوتے ہیں اور کوئی یہی ہوتا ہے بس لنگر نیاز ہی کر کے دیتے کوئی اپنا ہمارے بولے اوقاف والے ان کو جو ہے نا بکرا یا ایسے دے کے جاتے ہیں آپ بنا لو ہمارے نام پہ کوئی پھر پیسے بھی جمع کرواتے ہیں ان کو فارم ملتا ہے ٹھیک ہے سارا یہ حساب کتاب تو بھٹ شاہ کا عرس کس سیزن میں ہوتا ہے محرم کے بعد ہوتا ہے عرس محرم کے بعد یعنی ربیع الاول میں یا سفر میں سفر میں سفر میں یعنی ماتمی کیفیت ہوتی ہے بالکل بالکل آزاداری کا ایام ہوتا ہے کتنے دن جاری رہتا ہے یہ عرس تین دن تک جاری رہتا ہے ماشاءاللہ مرکز تین دن ہوتا ہے پھر پانچ چھ دن آزاداری تو چلتی ہے پانچ چھ دن تک ٹھیک پہلی دھمال سے لے کے آخری تک آزاداری ہوتی ہے سبحان اللہ بھٹ شاہ کا ایک مزار توسل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل کے لیے وہاں کے لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں اور توسل کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کر لوگ عزاداری کرتے ہیں یعنی آپ نے اپنی زندگی میں دور سے دور کون سے علاقے کے لوگ دیکھے وہاں پہ جو آئے ہوں بہت دور سے ایران سے بھی ابھی کافی لوگ آتے ہیں ایران سے کراچی اپنا سارے آتے ہیں الحمدللہ باقی جو سندھی جو ہے نا وہ بہت آتے ہیں ہاں کیونکہ قریب ہے علاقائی لوگ زیادہ وہاں پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ ذکر کے سلسلے جاری و ساری رہیں گے انشاءاللہ اور ہمیشہ مولا کا نام باقی رہے گا کربلا مولا میں اس وقت موجود ہیں آپ کے دوستان بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یقیناً تو کوئی سندھی میں کوئی کلام آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت بالکل اچھا منقبت ہو یا نوحہ ہو جو آپ نوحے کے تقریباً ہمارے پاس چار منٹ ہیں کوئی نوحہ پڑھیں آپ نوحہ سندھی میں کوئی منقبت پڑھنا چاہیں منقبت پڑھ لیں جیسا آپ کا مزاج بنے نوحہ تو ہے لیکن اردو میں سارے منقبت ہے ایک سندھی میں بسم اللہ میر صاحب کی ہے میر قاسمی صاحب بسم اللہ مجا مرشد مجا سردار غازی مجا مرشد مجا سردار غازی حسینی فوج جا سالار غازی مجا مرشد مجا سردار غازی
मुझा मुर्शिद मुझा सरदार गाजी हुसैनी फौज जा सालार गाजी मुझा मुर्शिद मुझा सरदार गाजी थिए हा करबला में करबला भी थिए हा करबला में करबला भी हलाए हा गर तलवार गाजी मुझा मुर्शिद मुझा सरदार गाजी हुसैनी फौज जा सालार गाजी मुझा मुर्शिद मुझा सरदार गाजी اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل فرجهم सिंधी जबान उर्दू काफ़ी अल्फाज हैं इसके अंदर तवज्जो की जाए तो समझ आती है कि आपने क्या कहा हमारे मुर्शिद हमारे सरदार गाजी हैं मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम हैं तवसुल मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का ही रहा आज पूरे प्रोग्राम के अंदर और खुदा वंदे मुताल आपकी भी ज़बान में मदी तासीर और बरकत अता फरमाए हमेशा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें और बार बार करबला मौलाना नसीब हो ताकि मौला की बारगाह में आकर आप मौला से तवसुल कर सकें और आपके अजीज अकरबा जो आपको याद आ रहे हैं जो नहीं आ सके जो आना चाहते हैं जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है खुदावंद ने मुताल उनकी भी दुआएं कबूल फरमाए। प्रोग्राम ख़त्म होने के अंदर अभी तकरीबन 2.5 मिनट बाकी हैं इस दौरान में वो दोस्तान जो आपके आपको देख रहे हैं कोई पैगाम देना चाहेंगे उन्हें मोबाइल में नहीं दिया था माशाल्लाह कोई बात कहना चाहें करबला से मुतालिक उन्हें ऐसी बस्ती अब क्या करें करबला दिल तो कहता है यही रुक जाए कल हमारी है फ्लाइट कल चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह वापस जब फिर नसीब आप दुआ करें अल्लाह बार बार इस दर की हाज़िरी नसीब फरमाए खुश नसीब है हम जो हुसैन ने बुलाया है हुसैन ने है बुलाया मैं करबला को चला सुभानअल्लाह इंशाल्लाह मौला से खलूस से आपने मांगा है मौला आपको बार बार अपनी ज़ियारत नसीब फरमाएंगे और ये तड़प ही होती है जो इंसान को बुलावा पहुंचाती है और मौला की अता होती है वो आपके सिंध से ही थे ना वो जो पैदल चल के आया करते थे गामू शाह क्या नाम था उनका वो पैदल आया करते थे यहाँ पे और नाम अभी ज़हन में नहीं है हाँ वो पैदल ही आया करते थे और वापसी जो जाया करते थे तो पुश्त नहीं करते थे करबला की तरह उल्टे कदमों वापसी जाया करते थे तो मौला ने उन्हें ये शरफ अता फरमाया था कि वो जितनी बार भी आए वो पैदल ही आए और पैदल ही वापसी गए यहाँ यानी घर से चलते थे करबला की तरह रुख होता था और चलते आते थे जब ज़ियारत कर लेते थे तो पुश्त किए बगैर उल्टे कदमों वापसी जाया करते थे जब आखिरी उम्र आई बीमार हो गए अब बुढ़ापा आ गया हौसला नहीं रहा कि अब आ सकते वो रोने लगे कि मौला मुझे तो अब जाना है और मैं जा नहीं सका किस तरीके से मैं जाऊं मौला मुझे जाने की तौफीक ने किस तरीके से जाऊं हौसला ही नहीं है हिम्मत ही नहीं है तो ख्वाब के अंदर उसे मौला ख्वाब के अंदर मौला आए और फरमाया कि अब हम तुम्हारी ज़ियारत के लिए खुद आ जाए आए प्रोग्राम का आखिरी वक्त अपने वक्त के इमाम को याद करें और वो हमें अपना दीदार कराएं अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज Sir, 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 S